हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे टैन कार्ड के बारे में। आपको टैन कार्ड यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो इसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी यहाँ पे बातचीत कर चुका हूँ कि हमें टैन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें इसको क्यों अप्लाई करना है। ठीक है, हमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। टैन हमें इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम बिना टैन के कोई भी TDS नहीं काट सकते। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर जो आपको कोई क्रिप्टो ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे TDS पे करना पड़ेगा। अगर जो आप किसी से क्रिप्टो खरीद रहे हैं, अगर जो आप बायर हैं, तो आपको उसका TDS काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो आप TDS नहीं पे करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप टू 6 मंथ की जेल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेनाल्टी भी है, जेल भी है। अगर जो यहाँ पे आपने पुराना न्यूज़ यहाँ पे देखा होगा, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने खुद कहा था कि यहाँ पे अप टू 6 मंथ की जेल हो सकती है। तो ये ऐसा यहाँ पे क्यों कह रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई ट्रेडर फंडिंग ना हो पाए, कौन सा क्रिप्टो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ को यहाँ पे बाई करते हैं, तो उसको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। और तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे टैन कार्ड भी रिसीव हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अगस्त को यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया था टैन के लिए। सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिजिकल भेजे थे, और यहाँ पे अगस्त 4 को मैंने भेजे थे। इसकी डेट देख सकते हैं, अगस्त 4 है। और जो मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मुझे अलॉटमेंट हुआ था, वो यहाँ पे 8 अगस्त को हो गया था, यानी 4 दिन के अंदर मुझे मेरा टैन नंबर मिल गया था। और ये यहाँ पे फिजिकली आपको जो कार्ड मिलेगा वो यहाँ पे 1 महीने बाद मिलेगा। फिलहाल इसका आप यहाँ पे अपने टैन कार्ड नंबर का यूज करके आप यहाँ पे TDS पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक अपनी फाइल भी मिलेगी, ये आपका यहाँ पे E10 होगा, यानी PDF होगा। तो अब हम बात करते हैं इसको मैंने अप्लाई कैसे किया। ज़्यादा यहाँ पे गई बिल्कुल लेंदी प्रोसेस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, टैन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है टैन अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप सर्च करेंगे, आपको एक NHDL का साइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। इधर आपको कैटेगरी डिटेक्टर्स में इंडिविजुअल चूज़ करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर इधर आपको अपना एरिया OAO डिटेल्स डालनी है, तो ये आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपकी जो सिटी का जो पहला लेटर है वो कौन सा है। तो अगर जो आपकी सिटी का पहला लेटर है L, तो आपको यहाँ पे L चूज़ करना है। फिर इधर आपके सिटीज़ आ जाएंगे, आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। अपना सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपना जो होम टाउन है उसका यहाँ पे पहला लेटर देखना है, पहला लेटर क्या है। अगर जो पहला लेटर A से M के बीच में है, तो आपको यहाँ पे ये वाला फील्ड सेलेक्ट करना है। अगर जो N से Z के बीच में है, तो आपको ये वाला फील्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या ऐसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। फिर इधर आपको सिंपली अपना नेम, डिटेल्स, ये सब कुछ यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अपना नाम लिखना है। फिर इधर आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, और यहाँ पे कैपेसिटी एज अ इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फिर इधर आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पूछेगा, तो पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ पे नेट बैंकिंग कर लेना। सबसे इजी जो प्रोसेस है, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे पेमेंट कर लेना। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल डाल के इधर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको यहाँ पे आप पेमेंट करना है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको एक अक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मुझे भी मिला था। गाइस, उसके बाद इस तरीके का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है जो आपने अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड की थी। उसके बाद इधर आपको साइन करना है, एक बॉक्स दिया होगा। फिर इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे अपना पैन कार्ड, यहाँ पे वेरीफाई कर देना, साइन कर देना, जिससे यहाँ पे वेरीफाई हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा चेक किए गए हैं। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड अटैच कर देना, और फिर इसे आप फोल्ड करके एक इन्वेलप में, ऐसे यहाँ पे इन्वेलप में इस तरीके से इसमें डालना है, और उसको चिपका के स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट की तरफ से आपको इस तरीके की एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपना कंसाइनमेंट ट्रैक कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, आपका
टैन नंबर दे दिया जाएगा और आपको पार्सल भी आपका टैन कार्ड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।